कामयान न्यूज नेटवर्क, हर खबर पर नजर। नोबल कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए दानहा दमन दीव के स्वास्थ्य विभाग काफी सतर्क है। नोबल कोरोना वायरस के लक्षण एवं उसके इलाज के लिए दानहा दमन दीव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक डॉक्टर बीके दास अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल के सभागार में सोमवार को एक प्रेस वार्ता कर इस वायरस के बारे में जानकारी दी है। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नोबल कोरोना वायरस ये बीमारी चाइना में डिटेक्ट हुआ है और 10 कंट्रीज में फैल चुका है। सबसे नियरेस्ट नेपाल में है। उसमें हमने आज पूरा डॉक्टर्स और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और हमारे डॉक्टर्स को सेंसिटाइज किया हुआ है कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसका कैसा इलाज करना है, कैसा सैंपल लेना है। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जहां तक हॉस्पिटल में व्यवस्था है वो पूरी व्यवस्था ऑलरेडी की गई है। इसके लिए इवन आइसोलेशन आईसीयू आइडेंटिफाई किया गया, आइसोलेशन वार्ड्स भी आइडेंटिफाई किए हैं और पर्सनल प्रोटेक्शन किट काफी हैं, इनफ हैं। जो इसमें इमरजेंसी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है उसकी भी अवेलेबिलिटी है और सैंपल लेने के लिए जो मीडिया और टेस्टिंग के लिए जो चीजें जरूरी है, जिसको हम सैंपल लेके एनआईवी पुणे में भेजते हैं, उसके लिए भी काफी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास चीजें हैं यहाँ। अब जहां तक हमारे जो कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं और माइक्रोबायोलॉजी और आईडीएसपी के पूरी टीम ने आज जो हेल्थ एजुकेशन का पूरा टॉक दिया।